हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ये इतना हेल्दी होता है कि जो बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इसे बना कर देंगे तो उन्हें पूरा वेजिटेबल्स मिलेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के आलू। अच्छे से इसे छील कर पानी में रख दिया हम था, आलूओं जिससे को ये यहाँ पे काले नहीं कद्दूकस पड़ते। कर लेंगे। लेंगे तो यहाँ मीडियम साइज का जो होल होता है उससे इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को पानी में ही रखे हो, इससे ये काले नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक वाली रवा, जो सूजी होती है एकदम बारीक वाली। अगर नहीं है तो आप मिक्सर में, ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंड कर लें। और उसके बाद आधा कप दही और आधा कप पानी, तो 1 कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जो सूजी है अभी अच्छे से वो फूलने वाली है, उसे और भी पानी की जरूरत लगेगी, तो वो हम उसकी कंसिस्टेंसी बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे आधा कप ही पानी डालें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो यहाँ मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख दिया था और अब ये देखिए अच्छे से जो सूजी फूल गई है और काफ़ी थिक हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप और पानी लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे इसे 1 कप पानी पूरा लगा है, पहले आधा कप डाला था और आधा कप अभी डाला है। तो 1 कप पानी, 1 कप सूजी और आधा कप दही और 2 मीडियम साइज के आलू डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच प्याज, 2 बड़े चम्मच टमाटर, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे गाजर, सबको बारीक कट करके लिया है, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और उबले हुए कॉर्न, हरी मटर इसे भी बॉईल कर लिया था, और धनिया की पत्ती इसे भी बारीक कट करके 2 चम्मच लिया है। हरी मिर्ची लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच लिया है बारीक कट करके, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है मैंने सारी चीज़ों को 2 2 बड़े चम्मच लिया है, आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है ना बहुत ही हेल्दी, क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स इसमें पड़े हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 आधा छोटा चम्मच, आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, इनो आप डालें तो 1 चम्मच डालें, और उसके थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल, और उसके बाद इसमें तड़के के लिए डालेंगे राई, करी पत्ता और सिसमे सीड, आप चाहें तो जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे और उसके बाद 3 बड़े चम्मच इस तरह से इसका बैटर डाल देंगे। तो काफ़ी थोड़ा थिक सा बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बनता है, थोड़ा ये थिक होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ बैटर है उसे दूसरे पैन में इस तरह से तेल डालकर फिर से वही तड़के वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हींग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हींग नहीं डाला है। और उसके बाद करी पत्ता एंड सिसमें से डालेंगे और उसके बाद जो बैटर बचा हुआ था इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं 2 पैन में यूज़ कर रही हूँ, तो ये जितना भी बैटर मैंने बनाया था इसे 2 पैन में ये बन गया। तो ये काफ़ी थिक होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बारीक ना बनाएं। और उसके बाद इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो ये देखिए पहले जो मैंने बैटर डाला था पैन में वो काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इसे पलटना है, लेकिन ये काफ़ी थिक होता है, बट ये बहुत इजीली, मेरा पैन बड़ा था तो इजीली ये हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। इसी तरह दूसरे साइड भी इसे हम कुक कर लेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी भी तो है ही। और अब दूसरे पैन में जो मैंने डाला था वो भी एक साइड से हो गया है, ये काफ़ी मोटा है तो इससे इस तरह से फ्लिप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट के हेल्प से इसे इस तरह से फ्लिप किया है। पैन को प्लेट के ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसे पलट लेंगे, तो बहुत इजीली ये प्रोसेस हो जाता है। और इसके बाद इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट इसे भी पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब देखिए ये बहुत अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है, और जब ये दोनों साइड अच्छे से पक जाता है, ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, तो बहुत इजीली आप इसे इस तरह से स्पैचुला से पलट सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ बहुत अच्छे से ये वाला भी कुक हो गया है। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में।
और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो ये देखिए इस तरह से आप बच्चों को बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लंच बॉक्स में या उनके ब्रेकफास्ट में आप उन्हें ये दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें कट लगा दिया है। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, थोड़ा थिक होता है, इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स है, इतना हेल्दी है, तो आपको तो इसे अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है, आप कोई वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं, या कोई वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया सा। तो बस अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।